Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, जैसा कि बेटा हमारा last lecture effects of tobacco and drugs forms पे रहा था, so आज के lecture में बेटा हम next topic को discuss करेंगे, that is harmful effects of alcohol. अगर हम अल्कोहल की बात करें तो आप सबको पता है कि अल्कोहल बेसिकली क्या है, एक हार्मफुल सब्सटेंस है जिसको हम जब इनटेक करते हैं तो ये हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को, या आप ये बोल सकते हो लाइक लीवर होगी, किडनी को क्या करता है, डैमेज करता है. तो हम इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे ऑन द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑन द हेल्थ ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन. नाउ अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन इस तरह से आता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल आर, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक लॉस. हमें पता है कि अगर हम क्या करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं रेगुलर डे में, या आप ये बोल सकते हैं रेगुलर इंटरवल्स में, तो कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमिक कल बैकग्राउंड है उसमें क्या होगा, लॉट ऑफ लॉस होगा. वो क्यों होगा, क्योंकि अल्कोहल जो होती है वो कॉस्टली होती है, ये एक कॉस्टली प्रोडक्ट है. और जो इस जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स देखें तो उन सबको अगर हम खरीदें तो वो क्या रहेंगी, हमारे लिए कॉस्टली रहेंगी. इसीलिए हम ये बोल सकते हैं ये क्या करता है, ग्रेट लॉस ऑफ इकॉनमी करता है. इससे अगर एक पर्सन क्या बन जाता है, एडिक्टेड बन जाता है, तो जो उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होगा वो ज़्यादा लॉस में जाएगा. अल्कोहल इज़ कॉस्टली प्रोडक्ट इन ऑल इट्स फॉर्म्स. जैसे कि हमें पता है कि जो अल्कोहल है वो एक कॉस्टली प्रोडक्ट है, हर एक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल में. ये क्या करता है, इट काजेस ग्रेट लॉस ऑफ मनी वंस अ पर्सन इज़ अडिक्टेड. इससे एक पर्सन जब अडिक्टेड बन जाता है तो उसकी मनी में या उसका जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है उसमें क्या होता है, ग्रेट लॉस होता है. दस इट ब्रिंग्स पॉवर्टी टू मैनी होम्स. इससे क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है उनमें उनके घर में गरीबी आना स्टार्ट हो जाती है. इट काजेज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड टू क्योर दीज प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बर्डन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड. अगर एक पर्सन अडिक्टेड बन जाता है तो हमें पता है उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो किस में रहेगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स में या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ में. तो उन हेल्थ इश्यूज़ को जब हम ठीक करते हैं या हम उनको केयर करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा इकोनॉमिक लगती है ठीक होने में, जो क्या बन जाता है, एक बर्डन बन जाता है किस पे, इंडिविजुअल पर्सन पे. इसलिए जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होती है इंडिविजुअल पर्सन की वो क्या होना स्टार्ट होती है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है. सेकंड वन इज़ लॉस ऑफ मेमोरी. जो पर्सन क्या करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल को अडिक्टेड करते हैं या ज़्यादा अल्कोहल का इनटेक करते हैं, उनकी जो मेमोरी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता वर्क करना, आप ये बोल सकते हो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें जो वर्किंग कंडीशन है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है. इन एन अल्कोहलिक पर्सन द ब्रेन एक्टिविटीज़ आर रिड्यूस. अगर हम अल्कोहलिक पर्सन की बात करें तो जो हमारी ब्रेन एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं. ब्रेन कैन नॉट रिमेंबर द इमीडिएट हैपनिंग. और जो हमारा दिमाग होता है वो इमीडिएट हैपनिंग को रिमेंबर नहीं करता. दैट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरीज लॉस. इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है. नाउ थर्ड पॉइंट इज फिज़िकल एफिशिएंसी लॉस. अगर हम फिज़िकल एफिशिएंसी की बात करें तो आपको पता है जो एक नॉर्मल पर्सन है जो इन अनवांटेड सब्सटेंस का टेक नहीं करता, उसकी फ़िज़िकल एफिशिएंसी क्या होगी, अच्छी होगी एज कंपैरिजन टू द पर्सन जो क्या कर रहा है, अल्कोहल का या अनवांटेड सब्सटेंस का यूज़ कर रहा है. रेगुलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल मेक द बॉडी सिक वीक एंड डिजीजेस. अगर हम अल्कोहल का रेगुलर इंटरवल में टेक करते हैं उससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है, वीक पड़ जाती है और हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के डिजीजेस अक्कर होना स्टार्ट हो जाते हैं. द बॉडी लॉस फिजिकल एफिशिएंसी एंड हेल्थ इज़ अफेक्टेड टू द ग्रेट एक्सटेंट. जो हमारी बॉडी की फिजिकल एफिशिएंसी होती है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है और जो हमारी हेल्थ है वो ग्रेट एक्सटेंट तक क्या होना स्टार्ट होती है, ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है. वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी रिड्यूस एफिशिएंसी. और जो हमारे डिफरेंट बॉडीज के सिस्टम्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी. अल्कोहल हैज़ वेरी एडवर्स अफेक्ट अवर स्पोर्ट्स पर्सन एज अल्कोहल डिक्लाइन द फिज़िकल एफिशिएंसी टू ग्रेट एक्सटेंट. अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का एक ग्रेट एडवर्स अफेक्ट है किस पे, स्पोर्ट्स पर्सन की हेल्थ पे.
क्योंकि हमें पता है जो अल्कोहल है वो क्या करती है, फिजिकल एफिशिएंसी को डिक्लाइन करती है अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट तक। दिस परफॉर्मेंस इज वेरी डाउन फॉर मैनी डेज। इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो परफॉर्मेंस होती है इंडिविजुअल पर्सन की या फिर स्पोर्ट्स पर्सन की, वो ज़्यादा दिन तक क्या होना स्टार्ट हो जाती है, ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टर्ब फैमिली। तो अगर हम फैमिली की बात करें, हमें पता है जो एक ड्रंक पर्सन होता है या एक ड्रंक इंडिविजुअल पीपल है वो क्या करता है, अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करता है जब वो अल्कोहल का इनटेक करता है। ड्रंकड पीपल हैव डिस्टर्ब फैमिली एज दे पे लेस अटेंशन टू द फैमिली नीड्स विच बिकम द कॉज ऑफ केयर इन द फैमिली। जो एक ड्रंकड पीपल होता है वो क्या करता है, अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करता है। कैसे डिस्टर्ब करेगा, जब उसने अल्कोहल का इनटेक किया होगा तो वो क्या करेगा, लेस अटेंशन पे करेगा टुवार्ड्स देयर फैमिली नीड्स। और यही एक रीज़न बन जाता है किसके लिए, घर के अंदर झगड़े के लिए। इससे क्या होती है, घर में कर्ल होना स्टार्ट हो जाती है। नो नेक्स्ट पॉइंट इज क्राइम। अगर हम क्राइम की बात करें तो हमें पता है जब एक इंडिविजुअल पर्सन ने ड्रिंक की होती है तो उसको उसकी मेमोरी क्या होती है, उस टाइम पे लॉस होती है। तो कहीं ना कहीं पर्सन इससे क्या कर सकता है, क्राइम कर सकता है। अल्कोहल हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद क्राइम। जो अल्कोहल है उसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, क्राइम के साथ। मोस्ट ऑफ द क्राइम्स आर कमिटेड व्हेन अ पर्सन इज ड्रंक। हम देखते हैं मोस्टली पर्सन कब क्राइम करते हैं, जब पर्सन ने क्या किया होता है, ड्रंक की होती है, या आप ये बोल सकते हैं अल्कोहल का टेक किया होता है। ड्रंकड आर मोर इन्वॉल्व इन क्राइम। जो ड्रंक पीपल होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं किसमें, क्राइम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो हमें पता है कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो ऐसे रेस नहीं होता, जब हम क्या करते हैं अल्कोहल का इनटेक करते हैं वो हमारे लीवर्स और किडनी को डैमेज करता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अल्कोहल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर दस द चांस हार्ट प्रॉब्लम इंक्रीजेस। जो अल्कोहल है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। इससे जो हमारी हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इट लेड टू इंक्रीज एग्रेसिव बिहेवियर एंड अवर स्ट्रेस ऑन मेंटल बिहेवियर। ये क्या करता है, हमारे एग्रेसिव बिहेवियर को भी इंक्रीज करता है, एज वेल एज ये हमारे अवर स्ट्रेस को भी क्या करता है, मेंटल बिहेवियर के अवर स्ट्रेस को भी इंक्रीज करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रोड एक्सीडेंट। तो जैसे हमें पता है कि रोड एक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं, जब इंडिविजुअल पर्सन क्या करते हैं, ड्रिंक करके रोड के ऊपर क्या करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उस टाइम पे रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। इन मोस्ट केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स दे आर कास्ट बाय ड्राइवर्स हु आर ड्रंक एज दे ओवर स्पीड। हमने देखा है मोस्टली जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो किस रीज़न की वजह से होते हैं, जब ड्राइवर्स क्या करते हैं, ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, और वो क्या करते हैं, ड्रिंक जब उन्होंने ड्रिंक की होती है वो ओवर स्पीड कर देते हैं गाड़ी की, जिसके कारण क्या होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। दस मैनी इनोसेंट पीपल आर किल्ड बाय देम। इसकी वजह से जो इनोसेंट पीपल्स होते हैं, जो रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि जब रोड एक्सीडेंट्स होता है मे बी वो क्या हो जाए, उनकी बॉडी क्या हो जाए, पार्टिकुलर पार्ट अफेक्ट कर जाए, या फिर आप ये बोल सकते हो मे बी वो उनकी डेथ हो जाए। इसलिए जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम कहाँ से अराइजेज होते हैं, ड्यू टू द ड्रंकड पीपल की वजह से। तो बेटा ये थे आपके हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।